हाय टीम, तो अभी मैं बैंड्रा के लिए शॉप विजिट कर रहा था, तो अभी मैं बैंड्रा खार स्टेशन रोड के पास खड़ा हूँ। आगे वो दिखाई दे रही है आपकी खार स्टेशन, एंड लाइक यहाँ से अपन इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। 50 मीटर पे खार स्टेशन है और ये पूरी कमर्शियल बिल्डिंग है, ग्राउंड से लेके पूरा थर्ड फ्लोर तक। ये कॉस्मोस कमर्शियल सेंटर करके ये पूरी बिल्डिंग है, और अभी ये बिल्डिंग का रिपेयरिंग का काम चल रहा है, इसमें रीडेवलपमेंट का काम नहीं चल रहा है। ये बिल्डिंग में रिपेयरिंग की काम चल रही है। यही अपने फर्स्ट फ्लोर पे ये इस साइड की अपनी कमर्शियल शॉप है, तो यहाँ से हम इजिली मूवमेंट कर सकते हैं। मतलब ये हम सेंटर पॉइंट में खड़े हैं खार स्टेशन के जस्ट बगल में, तो यहाँ से बैंड्रा इजिली कवर सकते हैं, खार सेंटा क्रूज इजिली यहाँ से ही कवर कर सकते हैं आराम से। और ये कॉस्मोस कमर्शियल बिल्डिंग है ये पूरी, और अपनी जो पार्किंग रहेगी वो ये साइड में रहेगी, ये साइड में, और चाहे मैं ये साइड में लगा सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे किसी का फिक्स पार्किंग नहीं है। इस वजह से या तो हमें यहाँ पे भी लगा सकते हैं या हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। और वैसा है, अपनी जो वैन आएगी ऐसे ही वैन बैक साइड होके वहाँ तक लग जाएगी, और वहाँ से अपने को फर्स्ट फ्लोर ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अभी मैं ऊपर चलता हूँ, और बिल्डिंग के नीचे ही अगर बात करेंगे तो एक वृंदावन वेज रेस्टोरेंट करके ये पूरा इनका रेस्टोरेंट चल रहा है, प्लस फर्स्ट फ्लोर पे भी ये किचन है। मैं अभी बाद में आपको दिखाता हूँ। ये बिल्डिंग का ड्रेनेज सिस्टम है, ये ड्रेनेज का चैम्बर है, ये एक चैम्बर है। ये अभी यहाँ पे काम चल रहा है इनका, विद इन 2 मंथ्स के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से ही अपना एंट्री एग्जिट होगा। तो अपनी जो गाड़ी है, अभी तो यहाँ पे थोड़ा सामान बिखरा है, तो बैक होके अपना यहाँ तक गाड़ी आ सकती है यहाँ तक, और यहाँ से अपने को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये वो सामने एक ड्रेनेज है, प्लस ये एक ड्रेनेज है, ठीक ऊपर अपने ऊपर बाथरूम है, बाथरूम के जस्ट नीचे। तो ये से यहाँ से अपन कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से अपना एंट्री रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 25 स्टेयर है, और पार्किंग से यहाँ तक आने में टोटल 37 स्टेप लग रहा है, और टोटल पार्किंग से अगर अपने शॉप में बात करेंगे तो टोटल 45 स्टेयर में मैं स्टेयर पार करके, पार्किंग पार करके मैं अपने शॉप में आ जाऊंगा। तो ये पूरी बिल्डिंग ही कमर्शियल है, ग्राउंड से लेके फर्स्ट फ्लोर तक और सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर। ये एक शॉप है, इसका जो वृत्त है यहाँ से लेके ये कॉर्नर तक 13 स्क्वायर फीट, और 17 वहाँ से लेके यहाँ तक 17.1 स्क्वायर फीट। ये तो ये टोटल शॉप हो जाता है 223 स्क्वायर फीट का, ये शॉप हो जाता है, प्लस इसमें बाथरूम है, पानी का लाइन भी है, ये शॉप में पानी का लाइन भी है। फिर ये बगल में दूसरा शॉप अपना रहेगा, ये शॉप है, इसमें ऑफिस चल रहा है, ठीक है। फिर ये दूसरा एक शॉप रहेगा अपना, इसकी जो वृत्त है वो 9.7 स्क्वायर फीट है, मतलब वो कॉर्नर से लेके ये पूरा कॉर्नर तक बात करेंगे तो 9.7 स्क्वायर फीट है, एंड इसकी जो लंबाई है वो 22 स्क्वायर फीट है, मतलब वहाँ एंड से लेके अपना ये एंड तक 22 स्क्वायर फीट है। हाइट सेम है, 9 फीट 8 इंच इसकी सेम है। तो ये शॉप, दूसरा वाला शॉप 220 स्क्वायर फीट का एरिया है ये पूरा। फिर अभी आ जाते हैं तीसरे शॉप में, तो ये तीसरा शॉप है, ये इसका जो एरिया है, वृत्त है, वो 9.8-10 फीट इसकी चौड़ाई है और 23.4 फीट इसकी लंबाई है, मतलब वहां से लेके यहां तक अगर बात करेंगे तो 23.4 फीट इसकी लंबाई है और 9.10 फीट इसकी चौड़ाई है। टोटल ये हो जाता है 212 स्क्वायर फीट, 212 स्क्वायर फीट का ये भी शॉप है, सेम हाइट है, 9 फीट 8 इंच है,
सामने ये साइड में रोड टच विंडो निकला हुआ है बड़ा सा। फिर अभी हम आ जाते हैं चौथे शॉप में। हाँ, तो ये चौथा शॉप है सेम। इसकी लंबाई चौड़ाई है 9 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई है और 27 फीट इसकी लंबाई है। ये चौड़ाई ये कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर तक 9 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई है और 27 फीट टोटल लंबाई है। तो ये 267 स्क्वायर फीट का ये शॉप हो जाता है। इसमें भी सेम हाइट है 10 फीट इसकी हाइट है। यहाँ पे रोड टच ये विंडो है, रोड टच ये विंडो है। अभी आ जाते हैं पांचवे शॉप पे। ये पांचवा शॉप वहां पे है अपना। ये पांचवा शॉप का चाबी नहीं है, क्लोज है, लेकिन ये भी पांचवा शॉप 267 स्क्वायर फीट है, मतलब 27 फीट लंबाई और 9 फीट 10 इंच इसकी लंबाई टोटल। अगर एंड में बात करेंगे तो ये क्लाउड किचन चल रहा है, अभी मैं इसका बाद में डिटेल ले लूँगा। तो ये पूरी बिल्डिंग ही कमर्शियल है, जिसमें अपन कॉमन वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कॉमन वॉशरूम यूज़ करना है तो ये कॉमन वॉशरूम है, ये अपन यूज़ कर सकते हैं। और ये पांचों शॉप में हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जितना एरिया चाहिए हम ले सकते हैं। प्लस ये बीच का वॉल हम पांचों शॉप का रिमूव कर सकते हैं। ये रोड टच विंडो है। पानी का जो लाइन है वो प्रेजेंट टाइम में सिर्फ ये शॉप में है। तो अगर ये शॉप लेते हैं प्लस बाजू का दो शॉप लेते हैं तो टोटल 700 स्क्वायर फीट हो जाएगा। और पानी का लाइन इसमें है तो यहाँ से हम कनेक्ट कर लेंगे। और इसके जस्ट सटे में ये विंडो से रिलेटेड ड्रेनेज पाइप है, ये ड्रेनेज सिस्टम में कनेक्ट है। बाकी अगर हम उधर का शॉप लेते हैं, बाकी अगर हम ये शॉप्स लेते हैं, तो अगर ये शॉप की बात करते हैं प्लस ये शॉप की बात करते हैं और ये वाला शॉप की बात करते हैं, वो जो शॉप क्लोज है, तो इसमें पूरा पानी का लाइन नहीं है। ये तीनों शॉप को अगर वाल रिमूव कर देते हैं तब भी 600 स्क्वायर फीट हो जाएगा और अपने को ऑनर पानी का लाइन और 3-फेस लाइट कनेक्ट करके देंगे। बाकी आजू बाजू ये सब शॉप जो है वो पूरा कमर्शियल है, तो यहाँ पे हम इजीली अपना काम कर सकते हैं। और विंडो अगर निकालना हमें क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट निकालना है तो हम ये साइड में निकाल सकते हैं। प्लस ये साइड में ओपन एरिया है, ये साइड में सभी शॉप के पूरा विंडो है, रोड टच है। मैं अभी वो दिखा देता हूँ आपको। इसमें भी सामने विंडो है, प्लस वहाँ पे भी सामने विंडो है, प्लस ये शॉप में सामने इधर बड़ा सा विंडो है, प्लस ये शॉप में सामने बड़ा सा विंडो है। तो इस साइड में हम आराम से एग्जॉस्ट निकाल सकते हैं, बिकॉज ये पूरा रोड टच है, आगे पूरा रोड है यहाँ पे। तो वॉल रिमूव करके हम इजीली फर्स्ट फ्लोर पे काम कर सकते हैं। हाइट भी अपने को अच्छा खासा मिल रहा है, ऑनर सभी पॉइंट पे एग्री भी है।